आज एक बार फिर आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो टॉपिक अपन उठा रहे हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री में नॉमनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में EZ नॉमनक्लेचर। यहाँ से एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ वो कई बार IUPAC नॉमनक्लेचर के अंदर कॉन्फिग्रेशन पूछ लेता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, तो EZ भी आपको वहाँ पर आगे प्रीफिक्स के फॉर्म में लगाया हुआ मिल जाता है। तो अगर आपको पता होगा कि ये E और Z कैसे डिसाइड करेंगे तभी अपन सही आंसर लिख कर पाते हैं, वरना IUPAC आते हुए भी अपने क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक रूल काम आता है CIP रूल, जो कि एटम्स और ग्रुप की प्रायरिटी डिसाइड करने में काम आता है। और ऑप्टिकल के अंदर जो अपन RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस SIP रूल को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो हर नज़र से देखें तो ये अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। सही है, तो बात करते हैं EZ नॉमनक्लेचर की। तो ये जो EZ नॉमनक्लेचर है ये ग्रुप्स और एटम की प्रायरिटी के ऊपर बेस्ड है, प्राथमिकता पर आधारित है। कैसे, हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड होगा जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मान लो ये वो कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो मुझे इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड में ये जो दो रेस्पिकेट एटम है इसके ऊपर लगे हुए ये जो ग्रुप्स और एटम है इनकी प्रायरिटी देखनी पड़ेगी। मान लो ए और बी में से ए को फर्स्ट प्रायरिटी मिली, बी को सेकंड प्रायरिटी मिली, या भी ए को फर्स्ट प्रायरिटी मिली, बी को सेकंड प्रायरिटी मिली। इस तरह से आपको सबसे पहले प्रायरिटी डिसाइड करनी पड़ती है और फिर ये देखना पड़ता है कि सेम प्रायरिटी सेम साइड है या अपोजिट साइड है। सेम प्रायरिटी सेम साइड होने पर जेड कॉन्फिगरेशन बताते हो और अपोजिट साइड होने पर ई कॉन्फिगरेशन बताते हो। यानी सारा का सारा खेल इसमें डिपेंड करता है, इस प्रायरिटी पे डिसाइड करता है। और ये प्रायरिटी कैसे निकाली जाती है, ये प्रायरिटी इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो ये अपोजिट करने जाते हैं, इसका क्या मतलब है ये बता देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ रूल के बाद आपको EZ नॉमनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं सिर्फ रूल की। तो सिर्फ रूल के अंदर तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर एटम्स का इंक्रीज होता है उनकी प्रायोरिटी भी होती रहती है। यानी कि शॉर्ट में बोलूं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी भी आपको क्या बतानी है, ज्यादा बतानी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन। सही है, प्रायोरिटी सेट करूंगा तो ब्रोमीन और क्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ब्रोमीन, तो इसको एक नंबर, इसको दो नंबर। फ्लोरीन और आयोडीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, आयोडीन का, तो इसको एक नंबर, इसको दो नंबर। अपोजिट साइड आती है सेम प्रायोरिटी कॉन्फिगरेशन क्या बताओगे, ई कॉन्फिगरेशन बताओगे। मान लो कंपाउंड में ऐसे आ गया OH CH3Br, यहां लगा वाले कार्बन, यहां है ब्रोमीन, तो कार्बन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन एक नंबर, कार्बन दो नंबर। यहाँ है डायरेक्टली ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन को एक नंबर, हाइड्रोजन को दो नंबर। कॉन्फिगरेशन क्या बताओगे, ई कॉन्फिगरेशन बताओ, जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना सबसे पहले उसको देखना है। सही है, सेकंड रूल कहता है कि बाय चांस आपके ये जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं स्टीरियो सेंटर जिसको आप बोलते हो, अगर इनके ऊपर ग्रुप्स लगे हुए हैं और उन ग्रुप का पहला एटम सेम है तो आपको सेकंड एटम को चेक करना पड़ेगा। अगर सेकंड एटम भी सेम आ गए तो थर्ड एटम को चेक करना पड़ेगा, थर्ड भी सेम आ गए तो फोर्थ को चेक करना पड़ेगा। तब तक चेक करना है जब तक कि डिफरेंस ना मिल जाए।
एग्जांपल है मेरे पास, मैंने लिया एच ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, सही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन यहां से बड़ी दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहां देखो इस कार्बन पर डायरेक्टली मैथिल जुड़ा हुआ है, यहां एथिल जुड़ा हुआ है। पहला एटम इसका भी कार्बन है, पहला एटम इसका भी कार्बन है। तो जब पहले पहले एटम सेम होते हैं तो हमें आगे दूसरे एटम्स को देखना पड़ता है। इसको देखने का तरीका है कि इस एटम से जो तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको ब्रैकेट में लिख लो। जैसे इससे तीन हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो ब्रैकेट में तीन हाइड्रोजन लगा लो। ये तो सेम थी तीनों, तो पहले तीन हाइड्रोजन कर दी। अगर डिफरेंट तरह के एटम जुड़े हुए हो तो उनको उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे इसके ऊपर दो हाइड्रोजन और एक ही कार्बन लगा हुआ है, मैं कहूंगा हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ब्रैकेट से मैच कर लो, यहां हाइड्रोजन यहां कार्बन, एक नंबर इसको मिलेगा, दो नंबर इसको मिलेगा, कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, जेड कॉम्बिनेशन आ जाएगा, सही है। और एग्जांपल देते हैं इसके, यहां बात करते हैं इस रेस्ट्रिक्टेड एटम की बात करूं तो इसमें भी पहला आइटम कार्बन है, इसमें भी पहला आइटम कार्बन है। इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और चौथी प्राइमरी में कौन है, चौथी वैलेंसी में कौन है, हाइड्रोजन। तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज कर रहा हूं एटॉमिक नंबर के। जबकि इसके ऊपर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और एक हाइड्रोजन है, तो इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन प्रायोरिटी ले जाएगा, यानी कि एक नंबर इसको मिलेगा और दो नंबर इसको मिलेगा। यहां बात करूं तो इसके ऊपर भी कार्बन लगा हुआ है और इस साइड में भी कार्बन लगा हुआ है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, सही है। तो देखो इसके ऊपर कौन कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, जबकि इसके ऊपर ब्रोमीन कार्बन कार्बन, प्रायोरिटी ब्रोमीन ले जाएगा, यानी एक नंबर इसको और दो नंबर इसको मिलेगा। कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, जेड कॉन्फिगरेशन आपके सामने आएगा। तो इस तरह से पहला आइटम सेम होने पर दूसरा, दूसरा होने पर तीसरा, इस तरह से हम आगे से आगे प्रायोरिटी चेक करते जाते हैं। तो ये हुए दो पॉइंट। अब बात करता हूं मैं सिर्फ रूल में तीसरे पॉइंट की। क्या कहता है इसका कि अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के ऊपर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड डुप्लेट की तरह बिहेव करता है और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपलेट की तरह बिहेव करता है। मतलब क्या है इसका, मतलब बताता हूं। मान लो आपके पास कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आ गया या आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आ गया, तो डबल बॉन्ड को डुप्लेट बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपलेट बनाना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको रीड करो, ए डबल बॉन्ड बी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं बी डबल बॉन्ड ए। अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं इसको बोलता हूं, ए डबल बॉन्ड बी को बोल रहा हूं, ए जुड़ा हुआ है दो बी के साथ, डबल बॉन्ड है तो बोलता हूं ए जुड़ा हुआ है दो बी के साथ, जैसा बोल रहा हूं वैसे मैं ऐसा लिख दूं, ए जुड़ा हुआ है दो बी के साथ। एक बी भी जुड़ा हुआ है दो ए के साथ, तो कोई भी एक बी को दो ए के साथ जोड़ दो, तो ये बी था ये दो ए के साथ जोड़ दिया। एक और दोबारा देख लो, एक ए जुड़ा हुआ है दो बी के साथ, एक ए जुड़ा हुआ है दो बी के साथ, एक बी भी जुड़ा हुआ है दो ए के साथ, एक बी भी जुड़ा हुआ है दो ए के साथ। इस तरह से ओपन करके लिखोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आते ही अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाएंगे, वैलेंसीज कम हो जाएगी, तो अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे प्रायोरिटी। ट्रिपल बॉन्ड को सेम वही, एक बी जुड़ा हुआ है तीन क्यूब के साथ, एक बी जुड़ा हुआ है तीन क्यूब के साथ, तो एक क्यूब भी जुड़ेगा तीन बी के साथ, कोई भी एक क्यूब को तीन बी के साथ जोड़ दो। इस तरह से इनको डुप्लेट और ट्रिपलेट करने के बाद प्रायोरिटी लगाई जाती है, प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, सही है। कुछ एग्जांपल देता हूं, इनको चेक करते हैं। कार्बन कार्बन सेम आ गया, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है, तो मैं थोड़ा सा इसको ट्रिपलेट को ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपलेट
और डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट बनाता हूँ, तो एक कार्बन तीन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके भी कर सकते हो। मॉडिफाइड कैसे कर सकता हूँ इसको मैं? मॉडिफाइड करने का तरीका है कि चूंकि एक कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये लो एक कार्बन को दो ऑक्सीजन से जोड़ दो और एक ऑक्सीजन भी दो कार्बन से जुड़ेगी, कोई भी एक ऑक्सीजन को दो कार्बन से जोड़ दो। एक कार्बन तीन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन भी तीन कार्बन से जुड़ी हुई है, इस तरह से ओपन करके लिख दो। यहां बात करूंगा मैं एक कार्बन दो ऑक्सीजन से, एक OH पहले से पड़ा है, एक ऑक्सीजन भी दो कार्बन से, तो इस ऑप्शन को दो कार्बन से जोड़ दिया। यहां पे भी सेम वही होगा, हाइड्रोजन अपनी जगह रहेगी, एक कार्बन दो ऑक्सीजन से और एक ऑक्सीजन दो कार्बन से, इस तरह से ओपन करके लिख लो। अब प्रैक्टिस है, लो कार्बन कार्बन सेम आ गया, इस कार्बन से तीन बॉन्ड जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। देखो जैसे ही ओपन किया, ओपन करते ही एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इसके ऊपर तीन बॉन्ड जुड़े हुए हो सकते हैं और यहाँ पे तीन बॉन्ड जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन जीत जाएगा, एक नंबर इसको मिलेगा और दो नंबर इसको मिलेगा। यहाँ बात करता हूँ कार्बन कार्बन सेम आ गया, इसके ऊपर तीन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो किसके ऊपर तीन कौन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी, ये फर्स्ट ये सेकंड आंसर आ जाएगा सेट। अब यहां अगर मैं बात करूं तो यहां पर डायरेक्टली करता हूं, देखो कार्बन कार्बन सेम आ गया, अब मुझे पता है कि यहां पर एक क्लोरीन है और दो ऑक्सीजन आएगी जब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, तो क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहां पर मुझे पता है कि एक तो इसके ऊपर ऑक्सीजन है ही और दो ऑक्सीजन यहां से और आ जाएगी जब डुप्लीकेट करूंगा, तीन ऑक्सीजन। यहां की मैं बात करूं तो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके ब्रैकेट में कार्बन कार्बन लिख सकता हूं, ये पहला पहला आइटम सेम आएगा। और इसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक तो हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और कार्बन और लास्ट में क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन आ जाएगी। मैं डुप्लीकेट करूंगा तो दो ही कार्बन आएंगे, सही है। तो तीन ऑप्शन में से एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन जीत जाएगा, एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, कॉम्पिटिशन जाएगा सेट। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड दोनों पॉइंट यहां पे काम आए, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट भी काम आया और नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूल भी यहां पर काम आया। ये हो गए इसके थर्ड पॉइंट। अब इसके छोटे छोटे दो तीन पॉइंट और हैं, उनकी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम केसेस के अंदर यहां से आपके आंसर आ जाते हैं। अब वो कौन से पॉइंट से छोटे छोटे, उनकी बात करता हूं। चलो बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास आइसोटोप्स आ जाए तो हैवियर आइसोटोप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, यानी अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं तो टाइट्रियम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे हाइड्रोजन से। जैसे कि एग्जांपल आया मेरे पास, ये लगा दिया OH, H, ये लगा दिया टाइट्रियम और ड्यूटेरियम, तो ऑक्सीजन को एक नंबर, हाइड्रोजन को दो नंबर, टाइट्रियम को एक नंबर, ड्यूटेरियम को दो नंबर, आंसर क्या आ जाएगा? सेट आंसर आपके सामने आ जाएगा, सही है। उसके बाद है कि बॉन्ड पेयर और नॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आएगा कोई इस तरह का एग्जांपल, मैंने लिया NH2 और मैंने लिया NH3+ और एक मैंने लिया हाइड्रोजन और टाइट्रियम। हाइड्रोजन और टाइट्रियम में से टाइट्रियम को एक नंबर, हाइड्रोजन को दो नंबर। यहां पे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम आ गया। अब नाइट्रोजन में कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पेयर, जबकि यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो तो हाइड्रोजन सेम आ गए, एक हाइड्रोजन यानी बॉन्ड
उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि अगर सिस ट्रांसवर्स प्रायोरिटी देखनी हो तो सिस की ज्यादा होती है ई जेड में से ई की और आर एस में से आर की प्रायोरिटी होती है। ये चीजें तब काम आती है जब आप आईयूपीएससी के अंदर प्रायोरिटी देखनी हो, आपको नाम का अरेंजमेंट करना हो या फिर आपको किसी स्यूडो क्रियल कार्बन का प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो, स्यूडो क्रियल कार्बन की प्रायोरिटी डिसाइड करनी हो तो वहां पे आपके ये पॉइंट्स काम में आते हैं। सही है, तो ये है आपके पास सीआईपी रूल और उससे ईजेड नोमेनक्लेचर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।